أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله. وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي برادران الإسلام الله كبر كرمه उसका शिक्र और एहसान है कि आज हम माशरे की एक महलिक बीमारी जिसको बदगुमानी से ताबीर किया जाता है चंद बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि ला त हमारे कहने और सुनने में अखलास अता फ़रमाएँ कबूलियत अल्लाह ताला अता फरमाएँ और मुआशरे के सुधार के लिए अल्लाह ताला इन क़लिमात को ज़रिया बनाएँ आमीन ब्रदर इस्लाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं गुमान करना बसा अकात ये गुमान अच्छा भी हो सकता है और बसा अवकात ये गुमान बुरा भी हो सकता है अच्छे गुमान को हुन दन कहा जाता है बुरे गुमान को सुन से तबीर किया गया है इंसान जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है ज़िंदगी गुजारते हुए लोगों के साथ उसका बैठना उठना चलना फिरना और लेन देन होता है लोगों के साथ उठते हुए बैठते हुए चलते और फिरते हुए बसा अवकात ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिन वाकयात को जिन हादसात को बुनियाद बनाकर बसा अवकात, इन ताल्लुक में दराड़ें पड़ जाती हैं मामलात मन्त हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जहाँ दोस्ती थी वहाँ दुश्मनियों का आगाज शुरू हो जाता है दोस्ती से दुश्मनी की तरफ आने के लिए मामलात को बिगाड़ने के लिए चंद लम्हात की देर होती है और ये चीज़ें तब पैदा होती हैं जब एक आदमी दूसरे के साथ हुसन जन का मामला करने के बजाय जन में मुबतला हो जाए बदगुमानी में मुबतला हो जाए इसीलिए शरीत इस्लामिया एक बेहतर माशरे को तश्कील देने के लिए मुसलमानों को इस बात का हुक्म देती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ भला गुमानसन जन से काम लिया करें और बुरे गुमान से अपने आप को दूर रखें मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों उस वाक़े को याद कीजिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक वाक़ा बयान किया जिसको वाकई इफ़ कहा जाता है हदीस इफ्क हदीस की किताबों में बहुत मरूफ़ हदीस है उमुल हजरत आयशा सिद्दीकारजी तहा पर तोहमत लगाई गई इस मौके पर मुनाफी ने इस वाक़े को मुस्लिम माशरे में उछाल कर फैला कर अनारकी पैदा करनी चाहिए अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के किरदार का तकरा किया और वईद सुनाई लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने मोमिनों का किरदार क्या होना चाहिए मोमिनों को इस वाक्ये के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इस वाक़े के बाद उनका क्या किरदार होना चाहिए अल्लाह ताला ने तुरान मजीद की आयत में उसकी तरफ इशारा किया कि जब मोमिनों ने इस वाक़े को सुना इस वाक़े को सुनने के बाद इस वाक़े को सुनने के बाद इस वाक़े को देखने के बाद मोमिनों ने बेहतरीन हुसन जन से काम क्यों नहीं लिया ये वाकया तो मोमिनों ने सुना मोमिन मर्द हो मोमिना औरतें हो बजाय इसके कि इस वाकये में वो मुलविस हों इस वाक्ये में अपने आप को मुबला करें मोमिनों का किरदार ये होना चाहिए कि इस वाक़े को सुनने के बाद इस वाक्य को देखने के बाद वो उसन जन से काम लेते ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों सोचने का पहलू गौर करने का पहलू इस वाक्ये में ये है कि यहाँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ील् ताल एक तनह सहावी के साथ हालत सफ़र से आती हैं इस मौके को मुनाफिन गनीमत जानकर नौजबिल्ला तोहमत लगा देते हैं इल्ज़ाम आयद कर देते हैं तो बावजूद इन सारी चीज़ों के अल्लाह ताला मुसलमानों को तालीम दे रहे हैं मोमिनों को उभार रहे हैं कि इस मौके पर मुसलमानों को चाहिए था कि वह उसने जन से काम लेते और जन में मुबला ना होते जैसे मुनाफिकीन का या बाज दीगर सहाबा का किरदार था मेरे मोहतर मुसलमान दोस्तों उस हुनजम से काम लेने से बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है माशरे को मौलिक बीमारियों में मुबला करने से बचाया जा सकता है ताल्लुक को बिगाड़ने के बजाय सुधार की तरफ लाया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि एक दूसरे के साथ हुसन जन रखें अच्छा गुमान अच्छी राय कायम करें इसके बजाय अगर हम बुरे गुमान में मबिला होते हैं बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं सुई जन से काम लेते हैं तो इसी सूरत में यह मुआरह अनार की की तरफ चला जाएगा और माशरे में फसाद आम हो जाएगा इसीलिए शरियत इस्लामिया बदगुमानी से मना करती है और रोकती है कुरान मजीद की जो आए करीमा, करीमातब मसनुना के बाद मैंने तिलावत की यादीन आ मनु अ ई ईमान वालो अनो जो अल्लाह पर ईमान लाए हो उसको रबूबियत का इकरार कर चुके हो वोहत और असमां और सिफात पर ईमान ला चुके हो दिगर अरकान पर ईमान ला चुके हो या अय्यूहदीना आमनो अ ईमान वालो ए मोमिनो अल्लाह ताला खिताब इस आयत में मोमिनों से कर रहा है बहुत सी बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ अपने आप को दूर रखो क्यों दूर रखें अल्लाह ताला ने उसका ततकरा करते हुए कहा इन बदन इसम बहुत सी बदगुमानियां गुनाह के जुमरे में दाखिल हो जाती हैं बहुत सी बदगुमानियां गुनाह शुमार की गई हैं इन बदन इस्म व तजस जासूसी ना करो किसी की टोह में ना रहा करो इसलिए कि जासूसी करने से बदगुमानियां पैदा होती हैं अल्लाह ताला ने बदगुमानी तक पहुंचने के जो वसाइल थे राय थे अल्लाह ने उनको भी काट दिया उनसे भी मना कर दिया उनसे भी रोक दिया वला तजस्सु एक दूसरे की जासूसी ना किया करो एक दूसरे की टोह में ना रहा करो वला वाला और तुम्हें कबाद बाद की ना करे अल्लाह ने इन सारी चीज़ों का जिक्र करने के बाद इन सारी चीज़ों की कबाहत बयान करते हुए फरमाया अब गौर कीजिए कि कबाहत कैसे बयान की जा रही है इसकी शनात और इस गुना की खतरनाक अल्लाह ताला की निगाह में कितनी बड़ी है अल्लाह ताला ने उसका ततकरा करते हुए फरमायाब अदम क्या तुम्हें का कोई आदमी इस बात को पसंद करता है अय को आखी ही मई था कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए फ्र तुमो मरे हुए भाई के गोश्त से बड़ी घिन आती है बड़ी कबाहत तुम इसमें महसूस करते हो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों आप आयत पर गौर कीजिए आयत पर गौर करने के बाद जो नतीजा हम हासिल कर सकते हैं कि बदगुमानी करना कबीरा गुना है गुना है कबीरा है अल्लाह ताला ने उसकी शनात बयान की कि बदगुमानी करना सुय से काम लेना ये अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है जिसको कोई पसंद नहीं करता कोई नहीं चाहता कि मरे हुई भाई का गोश्त वो इस्तेमाल करे बड़ी घिन महसूस करता है कराहत आती है तो जितनी कराहत मरे हुई भाई के गोश्त से आती है उससे ज्यादा कराहत सुइए से बदगुमानी से आनी चाहिए किसी के बारे में बुरा तस्वूर करते हुए बुरा ख्याल करते हुए एक मोमिन को एक मुसलमान को महसूस करना चाहिए नबी करीम सल्हम ने अपने एक हदीफ में इशाद फरमाया इहिया को मद्दन के बदगुमानी से अपने आप को बचाओ फन न हदीस सबसे बड़ी झूठी बात बदगुमानी है सुयन सबसे बड़ी झूठी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इया कुम तुम अपने आप को बचाओ वदन बदगुमानी से इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात है किसी के बारे में बुरा ख्याल करना ये सबसे बड़ा झूठ है सबसे बड़ी तोहमत सबसे बड़ी इल्ज़ाम तराशी है इसीलिए इंसान को अपने आप को बदगुमानी से बचाना चाहिए बदगुमानी से अपने आप को दूर रखना चाहिए एक और हदीत है अब्दुल्ल इबन उमर रजील् तालमा की जिसको इमाम इबन माजाम ने रिवायत किया और ने हदीस को हसन करार दिया प्यारे रसूल वसल्लम काबतल्ला का तवाफ़ कर रहे थे काबतुल्ला का तवाफ़ करते हुए रसूल सल्ला हु वसलम ने काबतुल्ला से खिताब करते हुए कहा कि क़ाबा तो कितना उम्दा है तेरी खुशबू कितनी प्यारी है तो कितना उम्दा है तेरी खुशबू कितनी प्यारी है रब की निगाह में तेरी अज़मत कितनी बड़ी है उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदाद की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है उसदाद की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है तेरी अजमत से ज्यादा रब की निगाह में एक मोमिन की एक मुसलमान की अजमत है तेरी हुरमत से ज्यादा रब की निगाह में एक मुसलमान एक मोमिन की माल और इज्जत की हुरमत है हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ उसने से काम लेना चाहिए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की इज्जत को, उसके माल को उसकी हरमत को काबे की हरमत से अजीम करार दिया काबे की हरमत से ज़्यादा नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मोमिन के माल और मोमिन की ज़्यादा अजीम करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने इसी हदीस में हुक्म दिया इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ हुसन जन से काम ले गोया कि अगर कोई बदगुमानी करता है तो उसकी इज्जत पर हमला करना है उस पर तहमत बांधना है उसके इर्ज़ के साथ तारफ़ करना है इसीलिए अल्लाह के नबीम ने काबे की हरमत से ज़्यादा मोमिन की जान माल और उसकी इज्जत को हरमत को अदीम करार दिया मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों गौर करने का मुकाम है सोचने की बात है कि आज हम रोज़मर्रा की जिंदगियों में पता नहीं कितने लोगों के साथ मामलात करते हुए बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं बुरे ख्याल वसाविस अपने जहनों में पाल लेते हैं कोई वजह नहीं होती कोई करीना नहीं होता कोई दलाइल नहीं होते दो आदमियों को देखते हैं कि गुफ्तु कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं हम समझते हैं हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे बारे में गुफ्तु कर रहे होंगे शायद ये हम हमारा बुरा चाहता है मेरे माल पर मेरी इज्जत के साथ मेरी तिजारत के साथ ये खिलवाड़ करना चाहता है उसको बर्बाद करना चाहता है सबसे पहली जो चीज़ हमारे जहन में आ, लोगों को गुफ्तु करते हुए देखकर पैदा होती है वो यही कि शायद ये हमारे बारे में गुफ्तु कर रहा है हमारा बुरा चाहता है हमें बर्बाद करना चाहता है और बसा औकात मामले यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक इंसान अपनी माँ के साथ बदगुमानी करता है अपने बाप के साथ सुन का मामला करता है अपने बेटों के साथ अपने भाई अपने रिश्तेदारों के साथ नौबत यहाँ तक आ जाती है के रिश्तेदारियाँ खत्म हो जाती हैं तबाह और बर्बाद हो जाता है क्या कोई माँ किसी बेटे का बुरा चाह सकती है क्या कोई वाल अपने बेटे को तबाह और बर्बाद होना देख कर बर्दाश्त कर सकते हैं क्या कभी आदमी तसूर कर सकता है सोच सकता है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों हमको चाहिए कि इस्लामी तालीमत को अपनी जिंदगी में आम करें इस्लामी तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ बदगुमानी से मना किया बल्कि बदगुमानी तक पहुँचाने वाले जो वसाइल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन वसाइल को भी आपने काट दिया ताकि कोई बदगुमानी पैदा न हो मारूफ हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की नबी करीम वसल्लम एहतिकाफ में थे आप सल्लल्लाहु वसल्लम एतिकाफ में थे आपसे मिलने के लिए मुमिनीन, सफिया बिनते ताला तैन आपके पास आए बातचीत के बाद वापस होने लगी नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हल्म और रुख़त करने के लिए मस्जिद के दरवाज़े चक्काे इतने में दो अंसारी साहबी वहाँ से गुजरते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम और सफ़िया रज़ी अन्हा को देख कर तेज़ी से गुज़रना चाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक लिया कहा आला कुमां कि रुक जाओ उसके बाद आप अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से कहा कि ये मेरी बीवी सफिया बिनते हुए है ये मेरी बीवी है ये मेरी अहलिया है ये उमुल मुबिन सफ़ैया रजी अल्लाह तह है दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह सुबहान अल्लाह हम आपके साथ बुरा गुमान कर सकते हैं क्या हम आपके साथ बुराई के बारे में सोच सकते हैं नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि इन शैतान यजरी फिबन आदम मचरत्तम के शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ रहा है खून की तरह शैतान इब्ने आदम की रगों में दौड़ रहा है शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसा पैदा कर सकता है वसवसा डाल सकता है बुरे ख्याल ला सकता है बुरे ख्याल को ख़त्म करने के लिए रोकने के लिए मैंने तुम्हारे सामने इसकी वजाहत कर दी है आप सोचिए कि नबी करीम अलैहि वसल्लम कहीं उन दोनों के दिलों में बुरे ख्याल न पैदा हो जाए बदगुमानियाँ न आ जाए नबी करीम वसल्लम ने बदगुमानी तक पहुंचाने वाले जो वसाइल थे आपने उनको ख़त्म कर दिया आपने उनको रोक दिया मेरे मोहतर मुसलमान दोस्तों एक और हदीस है सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्ला वल्म ने इर्शाद फरमाया कि अगर तीन आदमी हों तीन आदमी किसी जगह इकट्ठे हो किसी जगह जमा हो तो एक आदमी को छोड़कर दो आदमी आपस में सरगोशी ना करें दो आदमी आपस में सरगोशी न करें एक आदमी को छोड़कर वजह क्या है इसकी इसलिए कि तीसरे आदमी के दिल में बुरा ख्याल आ सकता है बदगुमानी पैदा हो सकती है इसीलिए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने तीन आदमियों की मौजूदगी में एक आदमी को छोड़कर दो आदमियों की सरगोजी से मना कर दिया आपने रोक दिया कहीं उसके दिल में बुरा ख्याल पैदा ना हो जाए बदगुमानी ना आ जाए तो बदगुमानी तक पहुंचाने वाले जितने वसाइल थे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने रोक दिया औकात बदगुमानी पैदा होती है ये चीज इंसान को कत्ल कत्लगिरी तक पहुंचाती है एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर सकता है इसी है। महल बदगुमानी की वजह से बुरे ख्याल की बिना पर तोमत की बिना पर इल्जाम की वजह से उसामा इबन सईद और तरूफ रिवायत है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने एक जंग में उनको रवाना किया एक काफिर को उन्होंने कत्ल कर दिया क़त्ल करने की कैफियत क्या थी कि जब उसामा इबिन जैत रज़ी त उस काफिर को कत्ल करने के लिए तलवार उठाते हैं तो तलवार उठाने के साथ उसकी ज़बान से कलिमा अदा होता है कलिमा निकलता है ला अः अल्ला महमदोल्ला उसके बावजूद उसामा इबन जैद रदी तु ने उसको कत्ल कर दिया मार दिया प्यारे रसूल सल्लाम के पास जब आए तो साहबा ने ये वाक़ा आप सल्ला के सामने रखा आपने उसामा इबन जैद रद्ला तै को अपने पास बुलाया अपने पास बुला सवाल किया पूछा कि क्या तुमने एक आदमी को ला लाला कहने के बाद कतल कर दिया कहने के बाद मार दिया अल्लाह सही फरमाते हैं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह उसने इल्लल्लाह का इकरार कत्ल होने के खौफ से किया तलवार की उसने गर्मी महसूस की उसकी धार को देखा तो ला अः लाला इला खौफ की वजह से उसने अदा किया खौफ की वजह से ज़बान से उसने कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इबिन सईद रज़ी अल्लाह तआला तु से पूछा सवाल किया अफला शक़ता अनकलबी क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा है क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा है कि उसने खौफ के साए में ला इलाहा अदा किया है या अल्लाह पर ईमान लाते हुए उसने इस्लाम कबूल किया है अल्लाह के डर से अल्लाह के खौफ से कत्ल के खौफ से या अल्लाह के डर से क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा है यही सवाल आज माशरे में लोगों से किया जा सकता है कि बहुत सारे बुरे ख्याल एक दूसरे के बारे में जो जाहिर करते हैं क्या हमने किसी इंसान के दिल को चीर कर देखा है बुरा गुमान करते हैं बसा औकात बाद कलीमत उनकी जबान से निकल जाते हैं मुराद वो नहीं होता लेकिन जबान से क़लिमात अदा हो जाते हैं निकल जाते हैं उन क़लिमात को बेहतर उमूर पर महमूल करना चाहिए हुसन जन पर महमूल करना चाहिए न कि बुरे और सुय जन पर इंसान उन क़लिमात को महमूल करें उमर फारूक रदील्ला इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम अपने किसी भाई से कोई जुमला सुनो कोई कलिमा सुनो और उस कलीमे को तुम हसन जन पर महमूल कर सकते हो तो तुमको चाहिए कि उस कलीमे को हसन जन पर महमूल करो जन पर उस कलीमे को हरगिद महमूल न करो बुरा गुमान न करो कलीमात की वजह से बसाओकत एक दूसरे के साथ काम करते हुए अमूमन दोस्त इस कस्म के कुछ कलीमात अदा कर लेते हैं कलीमात को सुनकर बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए सुए जन पर उन क़लिमात को महमूल नहीं करना चाहिए बल्कि क़लिमात को जन पर इंसान को महमूल करना चाहिए मेरे महतरा मुसलमान दोस्तों बदगुमानी माशरे को तबाह कर देती है माशरे को बर्बाद कर देती है कत्ल वारतगरी तक इंसान को पहुंचा सकती है इसीलिए इस्लाम ने हसन जन से काम लेने का हुक्म दिया मेरे महतरा मुसलमान दोस्तों हसन जन और सु जन की दो कस्मेंसन जन अल्लाह ताला के बारे में हुसन जन इंसानों के ताल्लुक से सुयजन अल्लाह ताला के बारे में सुयजन इंसानों के ताल्लुक से इमाम रही फरमाते हैं सुज़न तो कबीरा गुना है जो तो इंसान इरतकब करता है लेकिन ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है कि कोई इंसान अपने रब अपने खालिक, अपने मालिक अपना पैदा करने वाले रिस्क देने वाली ज़ात के ताल्लुक से बुरा गुमान रखे कोई उसके ताल्लुक से बुरा गुमान अपने दिल में पैदा करे कि वो मुझे रिस्क नहीं देगा वो मेरे मामलात को दुरुस्त नहीं करेगा वो मुझे शिफा अता नहीं करेगा दुनिया में जितना शिरक वाक होता है जितनी बिदायतें फैलती हैं जितनी मासीतों का इरतकब किया जाता है शिरक फैलने बिदायतों के रिवाज पाने मासीतों का इरतकाब करने के पीछे कहीं ना कहीं यही सोच सुजन कि अल्लाह ताला मेरे मामलात को पूरा करने वाला नहीं है जबकि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अगर तुम दुनिया से रुखसत हो रहे हो तुमको इस हाल में दुनिया से रुखसत होना चाहिए कि तुम अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न रखो रब के बारे में हुस्न ज़न रखो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ वही मामला करेगा वैसे ही तुम्हारे साथ रब का मामला होगा जैसा तुम रब के बारे में रब के बारे में गुमान रखते हो अगर रब के बारे में हुसन जन है तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ अच्छा मामला करेगा और अगर रब के बारे में तुम्हारा बुरा गुमान है तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बुरा मामला करेगा अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी पैदा करना सुयदन का शिकार हो जाना इससे बड़ी बदबख्ती दुनिया में और कोई नहीं हो सकती कि अपने खालिक से कोई आदमी बदगुमान हो जाए अपने मालिक अपने पैदा करने वाले परवरिश करने वाले से कोई आदमी बदगुमान हो जाए इससे बड़ी बदबख्ती दुनिया में और कोई नहीं हो सकती इसलिए इंसान को चाहिए कि रब के साथ जन रखे कि अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा मामला करेगा जो भी हमारे उमूर हैं अल्लाह एक बंदे के साथ खैर चाहता है क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ खैर नहीं चाहती मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों अल्लाह ताला इतना ज्यादा रहीम है कि उसकी रहमत की उसत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब एक माँ अपने बेटे के साथ महदूद रहम होने के बावजूद खैर खाही चाहती है तो वो अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसे बुराई चाहता है इंसान सोचना चाहिए और करना चाहिए इसके ताल्लुक से हुसन जन से काम लेना एक मोमिन की निशानी है जब दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखे जब बीमार हो जाए तकलीफों में मुबतला हो जाए इंसान को रब के साथ साथन जन से काम लेना चाहिए कि इस बीमारी में कोई ना कोई हमारे लिए खैर का पहलू पाया जाता है कोई ना कोई खैर है कोई ना कोई अच्छाई है जो अल्लाह हमको अता करना चाहता है अल्लाह हमको देना चाहता है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों दूसरी जो किस्म है मैंने बयान किया कि लोगों के साथ हुसन जन से काम लेना लोगों के साथ बदगुमानी का शिकार ना होना जन से काम ना लेना यह इसकी दूसरी किस्म है किसी भी इंसान के साथ बदगुमानी का शिकार ना होना चाहिए लेकिन इसमें भी शनात के हिसाब से इसकी भी किस्म है हसन बसरी रही फरमाते हैं हसन बसरी रही वो कहते हैं कि कोई इंसान किसी इंसान के साथ सुयजन का शिकार हो जाता है तो सुयजन का शिकार होने के बाद बरमला लोगों में उसका इधार करता है इसकी शनात बड़ी हुई है इसकी शनात बड़ी हुई है इसकी कबाहत ज्यादा है कि बदगुमानी का भी शिकार हो जाए और उस पर रद्द अमल भी इंसान दे उसके बारे में गुफ्तु करे लोगों के सामने इधार ख्याल करे कि फला आदमी ने मेरे बारे में ऐसे कहा वो आदमी मेरे बारे में ऐसा सोचता है जबकि उसने शायद कहा ना हो शायद ऐसा ना सोचता हो तो इजहार करना लोगों के सामने उसको फैलाना उसकी बुराई करना ये शनाख्त के हिसाब से बड़ी हुई है और दूसरी किस्म है कि कोई इंसान किसी किस किसी इंसान के ताल्लुक़ से बदगुमानी का शिकार हो जाए लेकिन लोगों के सामने वो उसका इधार नहीं करता लोगों के सामने उसको बयान नहीं करता तो शनात के हिसाब से पहली किस्म के मुकाबले में ये दर्जा कमतर है इसकी शनात कम पहले किस्म के मुकाबले में मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों अपने आप को बदगुमानी से बचाएं बदगुमानियाँ जब पैदा होती हैं तो माशरे तबाह हो जाते हैं इंसान का चैन और सुकून उससे छीन लिया जाता है उससे खत्म हो जाता है एक और हदीस नबी करीम अलैहि वसल्लम के बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के सत्तर से ज्यादा दर्जे सूद के सत्तर से ज्यादा दर्जे हैं सबसे कमतर दर्जा सबसे कमतर दर्जा सूद का गोया इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे अपनी माँ के साथ जिना करे सूद का सबसे कम तरीन दर्जे का गुना इतना बड़ा है उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा सूद ये है कि कोई इंसान अपने किसी मुसलमान भाई की इज्जत पर हमला करे उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे बदगुमानी का शिकार होना सुन से काम लेना गोया गो कि उसकी इज्जत पर हमला करना है गोया के उसकी इज़्ज़त पर हमला करना है शनात के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लाम की इस हदीत पर आप गौर करें मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों इंसान कैसे अपने आप को बदगुमानी से रोक सकता है सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला का तक़्वा इख्तियार करना अल्लाह ताला ने कुर मजीद की जो आयत करीमा इब्तःा में मैंने तिलावत की यह अयोदीन आमन तसो

इस महलिक बीमारी से अपने आप को दूर रखता है और दूसरी चीज़ बदगुमानियों से बचने के लिए कुरान और अहादीत में बदगुमानी के तल्ल से जो आयात और जो अहादीत बयान की गई है उन आयात और उन अहदीत का मुताला करना और इस गुना की जो कबाहत है उसका अपने दिलों में तस्वूर करना अल्लाह आयत में उसी की तरफ इशारा किया क्या का आदमी अपने मरे भाई का खाना पसंद करता है तो जो कबाहत है जो शनात है अल्लाह ने उसकी तरफ इशारा किया और तीसरी बात उमर रजील्लामां के कौल में हमें जो है बदगुमानी से बचने का तरीक़ा बताया गया है कि अगर हम कोई बुरा जुमला किसी से अपने बारे में या किसी और के बारे में सुनते हैं तो उसको खैर पर महमूल करने की कोशिश करें खैर पर अच्छाई पर महमूल करने की कोशिश करें बहुत सारी बदगुमानियों से इंसान अपने आप को बचा लेगा और मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों बदगुमानी एक इबादत है बदगुमानी से बचना एक इबादत है इससे दूर रहना एक इबादत है गोया कि बदगुमानी से कोई इंसान अपने आप को बचाता है दूर रखता है तो बिलाकत बिला मेहनत बिला मशक्क़त के अल्लाह ताला के पास वो अजर पा रहा है वाब हासिल कर रहा है इस स्वाब को पाने के लिए इस अजर को हासिल करने के लिए आपको कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं बस बदगुमानी से अपने आप को बचा लें अल्लाह ताली आपको अजर से नवाजेगा स्वब अता करेगा तो गोया कि जब अल्लाह ताली बगैर मेहनत बग़ैरकत के आपको स्वाव अता कर रहा है इस इबादत की वजह से बदगुमानी बच, से बचने की वजह से तो जब आप सवाब में हैं तो हमको चाहिए कि अपने आप को बदगुमानियों से बचा लें जब तक ज़िंदगी है बदगुमानी से अगर बचा लिया तो बगैर मशक्क़त के अल्लाह ताला हमारे नामा आमाल में अजर और सवाब तहरीर करते जाएगा लिखते चले जाएगा और हमारी नेकियों में इजाफा होगा रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सोएजन से महफूज रखे हर काम में हुसन जन से काम लेने की तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे मौत दे तो अल्ला तोहद और ईमान पर मौत अदा फरमाए अल्लाह ताला हसन ख़ातमा नसीब फरमाए सुय खातमा से बचाए जन्नत में जगह दे जहन्नमर के अदाब से बचाए आमीन व आखरुदावाना अनिलदुल्ल रबीन अल्लामैक्कम वरम्बरकू